हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क पाउडर पेड़े। ये पेड़े बहुत ही आसानी से कोई भी बना सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। मिल्क पाउडर से खोया बनाने के लिए हमने एक पैन को गर्म किया है। हमने पैन में 2 टेबल स्पून घी डाला है। हमें घी को अच्छे से मेल्ट करना है। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, हम इसमें 1 कप दूध डाल दे रहे हैं और गैस को बंद कर दे रहे हैं। और हमें दूध और घी को अच्छे से आपस में मिलाना है। हमने यहाँ पर दूध को पहले बॉईल करके ठंडा कर लिया था, ये दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 2 कप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। अभी मैंने 1 कप मिल्क पाउडर डाला है। इसको धीरे धीरे अच्छे से चलाते हुए मिलाना है और मुझे गैस बंद रखनी है। हमने इसमें 2 कप मिल्क पाउडर डाला और हमें मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छे से इसको चलाते जाना है। हमें इससे अच्छे से मिला के इसके सारे लम्स खत्म करने हैं। अब ये मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से मिल गया है और देखिए इसके सारे लम्स भी खत्म हो गए हैं। अगर थोड़े बच भी जाएंगे तो ये बाद में जब हम लोग फ्लेम ऑन करके इसको पकाएंगे तब भी सारे खत्म हो जाएंगे इसके। तो मुझे गैस का फ्लेम ऑन कर लेना है। हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। इसको स्लो आंच पे चलाते हुए मुझे अच्छे से पकाना है। हमें इसको स्लो आंच पर पका के खोया बनाना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा और टाइट हो जाएगा। अब ये पका नहीं तो अभी देखो ये गीला है, जब ये पक जाएगा तब ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। हमारा ये खोया बनके रेडी है, तो ये देखो कढ़ाई को छोड़ रहा है। अगर हम इसको चला रहे तो ये आपस में मिक्स होके कढ़ाई छोड़ने लगा है। इसका मतलब है कि ये पक गया है अच्छे से। अब ये मिक्सर अच्छे से पक गया तो मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। अब ये मिक्सर ठंडा हो गया तो मैं इसे एक बोल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। हमने इस खोए के मिक्सर में 1/2 कप पिसी हुई चीनी डाली है। मैंने घर की चीनी को अच्छे से पीस के छान के डाला है। चीनी को छान के ही डालना, नहीं तो अगर बिना छनी हुई चीनी आप डाल देंगे तो थोड़ा सा मोटे मोटा सा चीनी मुंह में आ जाएगा खाते टाइम, वो अच्छा नहीं लगता है। ये 4-5 इलायची ली है, इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड करके इसमें डाल दे रही हूँ। अब मैं इन सबको अच्छे से आपस में मिक्स कर लूंगी। अगर आप चीनी कम खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी इससे थोड़ी कम कर सकते हैं। और आपको चीनी बिल्कुल जब खोया ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही मिलानी है। अगर आप गर्म में मिला देंगे चीनी तो इसे पानी हो जाएगा और इसके पेड़े अच्छे नहीं बनेंगे। हमने सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। हमने हाथों को अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा मिक्सर लूंगी और इसका गोल गोल सा पेड़ा बनाऊंगी। इसको थोड़ा राउंड राउंड करना है मुझे। मुझे हल्का सा दबा देना है, इसे गोल करके फिर हल्का सा इसको हथेली से दबा देना है। इसी तरह मुझे सारे पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं। फ्रेंड्स, मेरे सारे पेड़े बन के रेडी हो गए हैं। एक एक टुकड़ा इसके ऊपर काजू का रख के इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। आप इसकी जगह पिस्ता का कर्तन भी रख सकते हैं, फिर बादाम का भी टुकड़ा इसमें काट के रख सकते हैं, अपने चॉइस से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप इसका एक बार टेक्सचर देखिए, इसको तोड़ के मैं दिखा रही हूँ ये कितना सॉफ्ट है, जाते ही मुंह में एकदम खुल जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ। इन पेड़ों को आप 15 दिन तक फ्रिज में रख के एंजॉय कर सकते हैं। ये पेड़ बहुत जल्दी खराब नहीं होते। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप एक बार इसे ट्राई जरूर करें और अपने फीडबैक मुझे बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।